अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी। उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्शन। ठीक है, सबसे पहले कंपैक्शन क्या है। कंपैक्शन हम बोलते हैं कि जब भी हम जो है दो फेजेस को कंप्रेस और कंसोलिडेट करें बाय अप्लाइंग द फोर्स। मतलब हमारे पास दो फेजेस थे, फॉर एग्जांपल सॉलिड और गैस, उनको जो है हम कंप्रेस करें और कंसोलिडेट करें किसी भी फोर्स की मदद से, प्रेशर की मदद से, तो वो कहलाता है कंपैक्शन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास बल्क वॉल्यूम को रिड्यूस किया जाए। मीन्स जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी जो है पाउडर के ऊपर, तो उसमें से जो है ना गैसियस फेज रिमूव हो जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है, उसके बीच में जो एयर स्पेसेस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है बल्क वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, इसे हम कहते हैं कंप्रेशन। जैसे आम एग्जांपल ले लें हम, आटा है, अगर उस पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होता जाएगा, या कोई और इसी तरह का पाउडर है तो हम जब उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसके बीच में जो एयर स्पेसेस हैं, गैसेज हैं, वो रिमूव हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाएगी। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, कंसोलिडेट करना उसको। ठीक है, अब ये होता है कि पार्टिकल और पार्टिकल के दरमियान जो इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं ना, उसकी वजह से कंसोलिडेशन होता है। जब भी पार्टिकल पार्टिकल आपस में अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली जो है कंसोलिडेशन हो जाती है। सॉलिड एयर इंटरफेस, अब इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर जो हमारे पास होते हैं पार्टिकल्स, उनके जो है दरमियान में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इस तरह से होते हैं कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो सॉलिड पार्टिकल सरफेस पे मौजूद होते हैं और उस सरफेस के ऊपर अनसेटिस्फाइड जो अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स का सरफेस आ गया, उस सरफेस के ऊपर कुछ अनसेटिस्फाइड मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। उन अनसेटिस्फाइड मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ना फ्री सरफेस एनर्जी बनती है सॉलिड के अंदर। ठीक है, उस सरफेस के ऊपर फ्री सरफेस एनर्जी बनती है जो मेजर रोल प्ले करती है हमारे पास पार्टिकल के इंटरेक्शन में, मतलब पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन। उसके अलावा पार्टिकल्स अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं उसमें वो मेजर रोल प्ले कर रही होती है। अब जैसे मुख्तलिफ कंडीशन है, एडजॉर्प्शन, कोहेशन, एडहेशन, रेट ऑफ सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब की सब जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ इसी जो है सॉलिड एयर इंटरफेस पे डिपेंड करती हैं। कोहेशन हम किसे कहते हैं, कोहेशन क्या होगा, जब भी अनसेटिस्फाइड बॉन्डिंग फोर्सेज है ना, जो सरफेस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि उसके सरफेस पे कोई अनसेटिस्फाइड जो है फोर्सेज आ जाते हैं पार्टिकल के, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, फिर उसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो पार्टिकल्स, इसे हम कहते हैं कोहेशन। ठीक है, वो अनसेटिस्फाइड फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो पार्टिकल्स, और अट्रैक्ट होने के बाद वो वहाँ पे स्टिक करने की कोशिश करें, तो इसे कहते हैं हम कोहेशन। दूसरा एडहेशन, एडहेशन में क्या होगा कि जब एक पार्टिकल दूसरी तरह के पार्टिकल, अब कोहेशन में था हमारे पास सिमिलर पार्टिकल, जबकि एडहेशन में क्या होगा कि एक पार्टिकल जो है वो दूसरी तरह के पार्टिकल्स या सॉलिड सरफेसेस की तरफ अट्रैक्ट हों, उनकी तरफ जाएं, तो उसे हम कहते हैं एडहेशन। अब ये जो अट्रैक्शन है ना, इनकी वजह से डिफरेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं हमारे पास सॉलिड पाउडर्स के अंदर। ये जो हैं मुख्तलिफ मूवमेंट्स को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं पार्टिकल्स पर, तो उन पार्टिकल्स की मूवमेंट को जो है रेजिस्ट कर रहे होते हैं, यही अट्रैक्शन है या जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इनकी वजह से। इसके अलावा ये जो है मुख्तलिफ ऑपरेशंस को भी इफ़ेक्ट करेगा, जैसे जो है हमारे पास ग्रेन्यूल्स मूव करते हैं हॉपर से, इसके अलावा मिक्सिंग के दौरान जो मोशन होता है उसको भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, या जो हम कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ग्रेन्यूल्स या टेबलेट बनाने के लिए, तो उनको भी ये अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेकेंड फैक्टर है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक मॉइस्चर लेयर बना लेते हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो चार्ज निकल रही होती है ना, वहाँ से चार्जेस की डिसिपेशन वो नहीं हो पाती, क्योंकि वो लेयर वहाँ पे आ गई, तो उसकी वजह से जो है चार्जेस को कोई पाथ नहीं मिल पाएगा उन पार्टिकल्स से निकलने के लिए। इसके अलावा ये जो फिल्म है मॉइस्चर की, ये एज अ लिक्विड ब्रिज भी काम कर सकती है। ठीक है, लिक्विड ब्रिज बना लेंगी ये, तो ये क्या करेंगी, पार्टिकल्स को आपस में मिलाए रखेंगी सरफेस टेंशन की वजह से और नेगेटिव कैपिलरी जो है एक्शन की वजह से, वहाँ पे ये पार्टिकल्स को आपस में जॉइंट कर देंगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोएबिलिटी ऑफ पाउडर। हम पाउडर की फ्लोएबिलिटी प्रॉपर्टी एंगल ऑफ रिपोज से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं, हम एक जब भी हम फ्री फ्लोइंग पाउडर का एक सरफेस बनाते हैं ना, उसकी जो मैक्सिमम एंगल वो बना सकता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मींस मैक्सिमम एंगल जो हमें एक सरफेस ऑफ द पाउडर, मतलब एक हीप हम पूरी बनाएं,
और उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन लें, मतलब जिस प्लेन के ऊपर वो मौजूद है पाउडर और जो उसने मैक्सिमम हमारे पास बनाई है हाइट, उसकी जो हमारे पास एंगल मैक्सिमम बना सकता है वो, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू 2h/d। डी होता है वो जो डायामीटर पैटरी प्लेट का या जिस भी सरफेस के ऊपर हम जो है पाउडर की हीप बना रहे होते हैं, और हाइट हमारे पास जो है उस पाउडर का जो मैक्सिमम वो हाइट बना रहा होता है, या दूसरा हमारे पास है टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपान आर। आर मतलब जो है पूरे डायामीटर का हम हाफ ले लेंगे रेडियस, तो हमारे पास ये आ जाएगा फार्मूला। हमें एंगल ऑफ रिपोज से जो है ना एक क्वालिटेटिव असेसमेंट मिलती है, इंटरनल कोहेसिव और फ्रिक्शनल जो इफेक्ट होते हैं ना पाउडर के, उनका हमें अंदाज़ा हो जाता है। अब इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं तीन मेथड्स के थ्रू, हालो सिलेंड्रिकल मेथड, रेक्टेंगुलर बॉक्स मेथड या जो है फिक्स्ड फनल मेथड। हालो सिलेंड्रिकल मेथड में क्या करते हैं कि हम एक रिवॉल्विंग सिलेंडर के अंदर पाउडर को फिल करते हैं और उसका एक जो है ना एंड वो सील कर देते हैं एक ट्रांसपेरेंट प्लेट के साथ। फिर सिलेंडर को रोटेट किया जाता है उसी के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड, और वो जो अंदर से लाइनिंग होती है ना हमारे पास सिलेंडर की, उसको सैंड पेपर से जो है कवर कर दिया जाता है ताकि जो है ना स्लिप ना हो उस सरफेस पे, पाउडर जो है वहाँ से स्लिप ना हो पाए, इसीलिए उसके अंदर से जो है सैंड पेपर लगा दिया जाता है। फिर वो रोटेशन करते रहते हैं जब तक जो है पाउडर जो है कहीं से वो ना बना रहा हो कैस्केड वगैरह, तो वो प्रॉपर एक जब फ्लो में आ जाएगा तो हम जो है उसकी एंगल मेजर कर लेते हैं और उससे जो है हमें एंगल ऑफ रिपोज मिल जाती है। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है टिल्टिंग बॉक्स मेथड। टिल्टिंग बॉक्स मेथड में हम क्या कर रहे होते हैं कि सैंड पेपर लगाते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, ठीक है, नाम ही है इसका बॉक्स मेथड, और उसको हम टिल्ट करते हैं, थोड़ा टेढ़ा करते हैं उस बॉक्स को। पहले उस बॉक्स के अंदर सैंड पेपर लगाएंगे, सैंड पेपर लगाने के बाद उसको फिल करेंगे हम पाउडर के साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको टिल्ट करेंगे, मतलब उसको थोड़ा उठाने की कोशिश करेंगे। तब तक हम उसको टिल्ट करेंगे जब तक जो है हमारे पास उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है वो स्लाइड करना शो ना कर दे। जैसे ही वो स्लाइड करने लगेगा, मूव करने लगेगा, तो हम जो है उसका एंगल मालूम कर लेंगे। थर्ड हमारे पास है फिक्स फनल मेथड। फिक्स फनल मेथड में हम क्या करते हैं, एक पैटरी प्लेट को उल्टा करके रखते हैं और उसके ऊपर जो है हम फनल के अंदर से पाउडर ड्रॉप कर रहे होते हैं। जब पाउडर हम ड्रॉप करते हैं उस पॉइंट तक पाउडर ड्रॉप करते रहेंगे जहाँ पे जो है वो पाउडर पेट्री डिश से नीचे गिरना ना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा वहाँ पे हम जो है फर्दर पाउडर जो है नहीं डालेंगे उसमें। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस पाउडर की हाइट ले लेते हैं, मैक्सिमम जो उसने हाइट अचीव की होती है, और पेट्री डिश का डायमीटर हम जो है ऑलरेडी ले लेते हैं। तो उन दोनों चीज़ों को हम हाइट को और पेट्री डिश के डायमीटर को फार्मूला में पुट करते हैं और उससे हमें जो है मिल जाती है उसकी एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज अगर 40 से कम हो या 40 तक हो तो वो हमारे पास आ जाता है रीजनेबल फ्लो में, मतलब हम कहेंगे इसका फ्लो बेहतर है। जबकि 40 से ऊपर जिन पाउडर्स का हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज आ रहा होता है उनका पुअर फ्लो है, जबकि 90 से ऊपर जिन सबस्टेंसेस का एंगल ऑफ रिपोज आए तो हम उनमें कहेंगे कि कोई भी फ्लो नहीं है उनमें। फ्लो रेट को हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स की मदद से। कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स जो है हमें ये इंडिकेट करके देता है कि कितनी आसानी से मटेरियल फ्लो कर सकता है, ठीक है, ये हमें कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स से पता चल जाता है। तो ये परसेंटेज की फॉर्म में दिया जाता है। इसका फार्मूला अगर हम देखें, आई बराबर है 1-V/V0 × 100। अगर हमारे पास इसकी आई की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू 15% से कम आए तो हम कहेंगे कि ये जो है फ्लोएबिलिटी भी इसकी अच्छी है और कंप्रेसिबिलिटी भी। अगर 25% से ज़्यादा आए हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स तो उसकी जो है फ्लोएबिलिटी, फ्लो प्रॉपर्टीज़ भी पुअर होंगी और कंप्रेसिबिलिटी भी पुअर होगी। इसके अलावा वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस की जो है ना वो डिपेंड करती है वाइड की टाइप्स पे। अब हमारे पास डिफरेंट वाइड के टाइप्स होते हैं। पहला ओपन इंट्रा पार्टिकुलेट वाइड्स। ओपन इंट्रा पार्टिकुलेट वाइड्स मतलब जो पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होंगे, ठीक है, मीन्स हमारे पास क्या होगा कि पार्टिकल्स के अंदर मौजूद हैं मगर वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड हैं तो वो जाएंगे ओपन। जबकि क्लोज्ड इंट्रा पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल के अंदर है स्पेस मगर वो जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्सपोज नहीं है, बिल्कुल अंदर क्लोज्ड है, तो फिर वो जो है क्लोज्ड इंट्रा पार्टिकुलर हमारे पास वाइड्स हो जाएंगे। इसके अलावा इंटर पार्टिकुलेट, अब इंट्रा पार्टिकुलेट मतलब क्या था कि एक ही पार्टिकल के अंदर खुद ही उसी के अंदर मौजूद हो जो स्पेस या वाइड, वो जाते हैं इंट्रा पार्टिकल। इंटर पार्टिकुलेट मतलब दो डिफरेंट हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस होगा ना वो हो जाएगा इंटर पार्टिकुलेट वाइड्स। तो हमारे पास जो पार्टिकल हैं मुख्तलिफ उनकी बेसिस पे हमारे पास मुख्तलिफ वॉल्यूम की टाइप्स हैं, ट्रू वॉल्यूम,
ट्रू वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि जो टोटल वॉल्यूम होगी ना, जिसमें सारे के सारे स्पेस एक्सक्लूडेड होंगे, ठीक है, जो भी मालिक्यूलर डायमेंशन से छोटे स्पेस होंगे वो सब के सब एक्सक्लूडेड होंगे, तो उसे हम कहते हैं ट्रू वॉल्यूम। मतलब ये असल हमारे पास जो पाउडर की या सब्सटेंस की वॉल्यूम होगी उसे हम कहते हैं ट्रू वॉल्यूम, जिसमें सारे के सारे स्पेस जो भी मालिक्यूलर साइज से बड़े होंगे वो एक्सक्लूडेड होंगे। इसके अलावा ग्रेनुलर वॉल्यूम, ग्रेनुलर वॉल्यूम में जो है ना ऐसी वॉल्यूम में जो हमारे पास पार्टिकल में इंट्रा पार्टिकुलेट वाइड्स इंक्लूडेड हो, मगर इंटर पार्टिकुलर हमारे पास वाइड्स इंक्लूड ना। इंट्रा पार्टिकुलेट मतलब कौन से, जो पार्टिकल के अंदर अपने ही मौजूद है ना वो सिर्फ इंक्लूडेड हो, जबकि इंटर पार्टिकुलेट हैं जो दो मुख्तलिफ पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिस थे वो एक्सक्लूडेड हो जाएँ, तो ये बन जाएगी ग्रेनुलर वॉल्यूम। वी जी, इसके अलावा हमारे पास बल्क वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम हम किसे कहते हैं, जिसमें तमाम के तमाम हमारे पास स्पेसेस इंक्लूड हो, मीन्स टोटल वॉल्यूम जो होती है ना इंटायर पाउडर की, जिसमें इंट्रा पार्टिकुलेट वाइट्स भी आ जाएंगे और इंटर पार्टिकुलेट वाइट्स भी आ जाएंगे, सबके सब मिला के ये बन जाएगी हमारे पास बल्क वॉल्यूम। रिलेटिव वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम हम कहते हैं जब भी हमारे पास वॉल्यूम का रेशो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हम जब ट्रू वॉल्यूम के साथ उसका रेशो लें वॉल्यूम का, मीन्स एक वॉल्यूम में जो हमने एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर ली, स्पेसिफिक कंडीशंस थी वो, और दूसरी हमारे पास जो ट्रू वॉल्यूम होती है पाउडर की, उन दोनों का जब हम रेशो लेंगे तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव वॉल्यूम। वी आर बराबर है मतलब वी, वी जो हमने एक्सपेरिमेंटल कहा कंडीशन में जो वॉल्यूम है, और वी टी हमारे पास ट्रू वॉल्यूम। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हम कहते हैं जो भी टोटल वाइड्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ना उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर होता है वी बी माइनस वी टी, मतलब बल्क से हम अगर ट्रू वॉल्यूम को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास बन जाती है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का, फर्दर हम इंशाल्लाह पोरोसिटी से आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।